हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नविता क्रिएशन। तो गुड आफ्टरनून आप सभी को। गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। हम सब भी यहाँ पर बिल्कुल अच्छे हैं। सो लंच वगैरह हमारा सब कुछ हो गया है। टाइम अभी 3:30 या 4 के लगभग का टाइम है। उसके बाद रेस्ट कर लिया था और ये कल का जो मैंने वीडियो पोस्ट किया है उसी के आगे का मैं शेयर कर रही हूँ। मतलब हल्का फुल्का सा आज का कर दूंगी, बाकी मे बी कल तक लेके जाऊँ इसको। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं क्या लेके आई थी मार्केट से। काफी दिन से ये रखा हुआ है मुझे पता भी। ये देखिए, कलरफुल रेनबो, इसे कहते हैं हुला हुप। हाँ, तो ये लेके आई थी। इसको पता है काफी टाइम हो गया। लास्ट वीकेंड जब हस्बैंड आए थे तो उनके साथ में लेके आई थी, वो लेके आए थे मेड इन इंडिया। इसको मैं रख के ना भूल गई थी और अचानक से अभी मुझे ये याद आया। यस, मेड इन इंडिया, देसी। सो ये है हुला हूप। और मैं सोच रही हूँ कि चलो थोड़ा सा कुछ स्टार्ट किया जाए, हेल्दी। आता नहीं है, कोई नहीं, सीख जाएंगे। कभी किया नहीं है तो आएगा कैसे? जब करेंगे तो आ भी जाएगा। मैं भी करूँगा। हाँ, आप भी करना बिल्कुल। इसको, इसमें ना ये पिन है, ये गिर गिर ना जाए, इनको ध्यान से, ठीक है, वरना चुभ जाएंगी ये। नहीं, इसको हाथ के हाथ ना डस्टबिन के उसमें डाल के आओ। मैंने फोल्ड कर लिया इसको, ना जाओ। सो चलिए करते हैं इसकी अनपैकिंग। और बैग देखिए कितना अच्छा सा लग रहा है। मुझे ना पता, एक ये मिला है 130 का, उसने बोला था, लेकिन उसने 125 का दे दिया है। और एक था प्लेन था, सिंपल रिंग थी, वो 100 का बोल रहा था, तो वो 90 या 85 में दे देते। लेकिन मुझे ना ये कलर बड़े प्यारे लग रहे थे, सो मैं सोचा, मैंने कहा चलो जब ले रही हूँ तो 25 का क्या वो करना, ये ले लेती हूँ। और इसके कलर बड़े मुझे प्यारे लग रहे हैं। ये है ना, देख, ये है ना, ये और ये है ना, ये जो होल है इसमें इसको फंसाना है, ऐसे फंसाओ जोर से, प्रेशर लगा के। आउ, बड़ा टाइट है बाबा। सो मुझे लग रहा है इसमें मुझे हस्बैंड का लेना पड़ेगा। अरे वाह, मुझसे फंसा नहीं, मेरे बेटे ने फंसा दिया आधा। क्या बात है भाई, स्ट्रॉन्ग मैन, स्ट्रॉन्ग बॉय। सो इसको ऐसे फंसाते जाना है। मैं भी ट्राई करती हूँ, जस्ट ट्राई। फंस गया मेरा भी, फंस गया लास्ट। देखो मैंने 3 कर दिए। यस, अरे वाह, आपने तो कंप्लीट कर दिया। आपने भी 3 कर दिए कंप्लीट। यस, मैं तो बस वैसी मस्ती कर रही थी, वरना मैं नहीं फंसा पाऊंगी। आओ आओ। अरे मतलब ये तो अलग सा रिंग पूरा नहीं बन रहा। नहीं, बन गया। मैं सोच रही टेढ़ा क्यों हो रहा है, ये पता पूरा जाना था ना, लेकिन आधा आधा गया, लग घुस गया। हाँ, देखे गया। अरे घुस तो रहा यार, कोई कोई टाइट है ज्यादा। कोई नहीं, बस निकलना नहीं चाहिए। ये बनके तैयार है रिंग, और इसको हम करेंगे, लेकिन मैं आज करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मेरी चोप हो जाएगी, अभी मुझे आता नहीं है। सो पहले मैं प्रैक्टिस करूंगी तो, और जिस दिन थोड़ा सा कर लूंगी उस दिन मैं जरूर दिखाऊंगी वीडियो पे। फिलहाल मुझे ये कलर बड़े प्यारे लग रहे हैं। फिलहाल इसमें प्रैक्टिस करेगा मेरा छोटा बेटा। ट्राई। ये तो हमारे लिए चैलेंज है, हम सीखेंगे इसको विद इन 1 वीक। नेक्स्ट वीक की वीडियो में मैं आपको करके दिखाऊंगी हुला हूप। चलो, सो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। और मैं आ गई हूँ अपने छत पे। ये मेरे हाथ में है 2 क्यूट से प्लांटर, जिनको लेके आई थी मैं 10-12 दिन पहले शिवरात्रि के टाइम पे। और इनको मैंने आज करना है रीप्लांट, अभी तक ये इसी में रखे हुए थे, तो मैंने सोचा चलिए इनको रीप्लांट कर देते हैं। टाइम हो गया है लगभग 5:30 यहाँ पे हो गए थे। इस बीच में हम लोगों ने चाय ले ली है अपनी, जो हमारी इवनिंग टी होती है, सिंपल चाय बनाई थी मैंने।
हल्की सी क्लिप निकाली थी लेकिन वो डिलीट हो गई बाई चांस। सो चलिए कोई नहीं, पहले तो मैं सोच रही थी कि इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगी कल तक, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ ना अपना इवनिंग टू नाइट रूटीन शेयर कर देती हूँ। सो यहाँ पर देखिए ये वाली जो बाल्टी है इसमें लगाए थे धनिया, डाला था मैंने, लेकिन धनिया अच्छे से जम के नहीं आया है, किनारे किनारे पे बस दो तीन निकला है और काफी टाइम हो गया इसको, 20-25 दिन हो गया डाले हुए। सो अब जो नहीं निकलने वाला है, सो मैंने सोचा मेरे पास प्लांटर भी नहीं है तो मैं इसको इसी में प्लांट कर देती हूँ। सो इसको मैं यहाँ से निकाल रही हूँ और यहाँ पे मेरे से अभी होने वाली थी एक गलती, देखिएगा आप। बच गया, नीचे गिरता भी। सो यहाँ पे मेरी और प्लांट की बजने वाली थी बैंड, लेकिन बाई चांस वो अटक गया मेरी फिंगर में और बच गया और प्लांट भी टूटा नहीं, थैंक गॉड, भगवान की दया से, मतलब प्लांट नहीं टूटा, अगर प्लांट टूट जाता ना तो सच में मुझे बहुत अफसोस होने वाला था, बट चलिए बहुत अच्छा हुआ। सो बस फिर मैंने इसको केयरफुली अच्छे से कर दिया, इसमें प्लांट पता है इतनी जो मिट्टी मतलब इतनी सॉफ्ट होती नहीं है, वो मैं उसको हल्की सी उसके जड़े खोलने की कोशिश कर रही थी और वो एकदम से पूरी मिट्टी गिर टूट के नीचे गिर गई, एकदम से सॉफ्ट थी वो, पर चलिए कोई नहीं, फिर भी मतलब कहते हैं ना कि बच गया, बस एकदम से मतलब झटका लगा, माय गॉड मेरा प्लांट, मुझे सच में बहुत अफसोस होता, पर चलिए वो हो गया। सो मैंने उसको कर दिया है उसको बकेट में रिप्लांट। और यहाँ पर देखिए मेरे पास ये छोटा सा ये रखा हुआ था बाउल था पहले ये मेरे किचन का, अभी मैंने ये सोचा कि चलो फिलहाल मैं इसको इसी में प्लांट कर देती हूँ। और ये वाला जो है ना बहुत ही सुंदर लग रहा है, इसके क्यूट क्यूट से है, मतलब पतले पतले रेशे हैं इसके, ये डेकोरेटिव प्लांट है, इसमें फ्लावर नहीं आएगा। और ये उसने बोला था कि ये अक्टूबर तक सर्वाइव करेगा, गर्मियों वाला है ये, तो मुझे देखने में इतना प्यारा लगा, मैंने कहा चलो अक्टूबर तक सुंदर तो लग रहा है ये, लेकिन ये आउटडोर ही है, इंडोर प्लांट नहीं डालने में है। दिक्कत और यहाँ पर इसमें ना छोटा है ये बाउल, तो इसमें पूरी मिट्टी पहले भी भरी हुई थी, सो मैं उसकी निकाल रही हूँ और इस बार मैंने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया उसको पन्नी से निकालने के बाद में ना, इसकी जो मिट्टी मैंने हल्की की है वो प्लांटर के ऊपर रख कर ही की है। और देखो ये अच्छा अभी हस्बैंड जब आएंगे होली पे तो मैं उनसे प्लांटर मंगा लूँगी एक, तो फिर उसमें इसको रीप्लांट कर दूँगी क्योंकि ये काफ़ी छोटा है इसके लिए, लेकिन फिलहाल के लिए मैंने इसको इसमें कर दिया है, ऊपर से मैंने मिट्टी डाल दी है अच्छे से, इसको मैं थोड़ा सा दबा दूँगी और बस फिर मैं डाल दूँगी इसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा पानी, और यहाँ पर काफ़ी मिट्टी सी हो गई है तो मैंने उसको साफ़ कर दिया है। और ये देखिए ये हो गया है मेरा आज का काम पूरा इस टाइम का। वैसे तो मैं सोच रही थी ना छत पे आई थी कि मैं झाड़ू लगा देती हूँ, लेकिन आज ना मतलब हवा भी काफ़ी चली तो मुझे इतनी ज़्यादा दिखाई नहीं, मैंने सोचा चलो आज टाल दिया, आज बस ये प्लांटिंग कर देती हूँ और झाड़ू लगाऊंगी अब मैं कल। सॉरी। सो हो गया है रिप्लांटिंग का काम, अब यहाँ पर दे देते हैं पानी अपने पौधों को। ये दो प्लांट थे लाए हुए रखे थे काफ़ी टाइम से, सो जैसे नर्सरी से आए थे ना उसी में रखे हुए थे, अभी मैंने उनको कर दिया है रीप्लांट। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि प्लांटर लेके आऊँगी लेकिन नहीं लाना हुआ, सो मैंने एक को बाल्टी में लगा दिया एक को उसमें लगा दिया, देखते हैं। और यहाँ पे अब बेटा डाल रहा है पानी, इधर डालो इधर वाले जो, सो बच्चा डाल रहा है पानी प्लांट्स में। और मौसम देखिए आप कैसा हो रहा है, आज सुबह से ही ना बादल बादल हो रहे हैं लेकिन बारिश नहीं हुई और इस टाइम पे तो काली घटा छा गई है, सो मैं आपको दिखाती हूँ एक मिनट, वो चार बूंद भी नहीं पड़ी बेटा वो तो। ये देखिए फ्रेंड्स पूरे बादल हो रखे हैं, काले काले काली काली घटा पूरे आसमान में और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कुल मिला के ऊपर मज़ा बहुत आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सामने वाली कॉलोनी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं दिखाती रहती हूँ, एकदम से मस्त हवा चली हुई है ठंडी ठंडी, बस ये बहुत हो जाएगा, उसमें भी डाल देना ऊपर, हाँ मैं उस पर ढक्कन लगा दूँ अब टंकी पे, ठीक है। फ्रेंड्स ऊपर का काम फिनिश हो गया है, फिर कुछ देर के बाद ऊपर ही टाइम स्पेंड किया हम लोगों ने 20-25 मिनट,
काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ नीचे और यहाँ पे भी चीज़ें थोड़ा सा मैं मैनेज कर देती हूँ। ये गाड़ी का कवर निकल के रखा हुआ था सो मैंने सोचा चलो मैं इसको लगा देती हूँ। एक्चुअली मैं इसको लगा ही रहता है लेकिन ना मेरा बड़ा बेटा कभी कभी वो खींचता है ना, वो खींच खींच के नीचे डाल देता है तो फिर बस हो जाता है समटाइम्स। तो बस उसको मैंने कर दिया है ठीक। और यहाँ पर जो सोफ़ा कवर है इसको भी थोड़ा सा सेट कर दिया है। यहाँ टेबल पर रखी हुई थी सब्ज़ी, ये मैंने कल ली थी, गली में आया था तो मैं एक दिन के लिए बाहर ही छोड़ देती हूँ। सो मैंने बस यहाँ से उठा के इनको भी रख देना है अंदर। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर मैं बैठ गई थी सब्ज़ी कट करने के लिए। काफ़ी टाइम हो गया था, बीच में बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड किया। और टाइम की अगर मैं बात करूं तो इस टाइम तक आई थिंक 7:30 के लगभग होने वाला था, 7:15 या 7:30 का ये टाइम रहा होगा। सो मैं बस अंदर लेके आ गई थी, बेड पे बैठ के ही यहाँ पे सब्ज़ी कट कर दी टीवी देखते देखते। और ये है पत्ता गोभी, मैंने सोचा चलिए इसको बना लेती हूँ, छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। और यहाँ पे बेटा बोला मम्मा ये आलू आपने छील दिए हैं, इनको कट तो मैं ही करूँगा। सो मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चे का मन होता है तो इन्वॉल्व कर लेना चाहिए उनको। सो यहाँ पर कोशिश कर रहा है अभी, क्योंकि वो करता नहीं है तो कोशिश कर रहा है। और जब छोटा बेटा यहाँ पर हेल्प कर रहा है तो बड़ा बेटा भी यहाँ पर आ गया और वो हाथ चला रहा है नाइफ लेने के लिए कि उसको भी नाइफ लेना है, तो मैं उसको मना कर रही हूँ। और यहाँ देखिए मेरा जो बड़ा बेटा है, छोटे बेटे के हाथ से जैसे आलू गिर गया ना नीचे तो वो दांत भींच के इस तरह से करता है। ये कोई चीज़ गिर जाती है या कुछ काम ऐसा होता है जो वो कर रहा है लेकिन नहीं कर पाता है तो फिर वो उसका यही रिएक्शन होता है। सो इस रिएक्शन का मतलब क्या है अब तो वो जाने, मतलब एक तरह से अपना गुस्सा दिखाता है कि ऐसे क्यों गिर गया, क्यों ऐसा हुआ। सो चलिए, सो फ्रेंड्स वेलकम अगेन टू माय किचन। और यहाँ पर देखिए मैंने कढ़ाई रखी है, उसमें डाला है ऑयल, ऑयल हमारा गर्म हो गया था तो उसमें मैंने डाल दिया था जीरा। और जीरा जब हमारा अच्छे से क्रैकल हो गया तो उसमें डाला था मैंने धनिया पाउडर 2 से 2.5 चम्मच। और फिर उसमें ऐड कर दिया था मिर्च पाउडर, सेम टाइम पर मैं हल्दी पाउडर भी डाल देती हूँ लेकिन मेरी जो मसालेदानी है उसमें हल्दी पाउडर ख़त्म हो रखा था, इधर तड़का तेज़ हो जाता इसलिए मैंने इसमें जो आलू गोभी हमने कट करके भून के रखे हुए थे उसको मैंने डाल दिया है। और अब इसमें जाएगा 4 से 5 मिनट इसको भूनने के लिए छोड़ना पड़ता है क्योंकि बहुत अच्छे से भूनना अच्छा सही रहता है। सो इस बीच मैंने अपने जो है हल्दी पाउडर है उसको निकाल लिया है मसालेदानी में और थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी है अपने सब्जी में ताकि वो साथ के साथ अच्छे से भून भी जाए और एक अच्छा सा कलर भी आ जाए हमारी सब्जी में। सो जब 3-4 मिनट हो गया है इसको भूनते भूनते उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है नमक स्वाद के अनुसार। नमक पत्ता गोभी में कभी भी पहले ऐड नहीं करती हूँ वरना पानी रिलीज़ हो जाता है, वो मॉइस्चर रिलीज़ कर देती है और जो सब्ज़ी है वो भुन नहीं पाती अच्छे से। सो बस उसमें सारे मसाले नमक वगैरह ऐड करके उसको थोड़ा सा और भून लिया है, फिर उसके बाद उसमें ऐड कर दिया है पानी और उसको छोड़ दिया है कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक होने के लिए। मीनवाइल जो सामान इधर उधर फैल जाते हैं उनको रख दिया है उनके प्रॉपर प्लेस पे और आसपास का एरिया को कर दिया है क्लीन किचन क्लॉथ की हेल्प से। सो बस इसके बाद मैंने चपातियाँ बना ली हैं और खाना हमारा हो गया है तैयार, तो बस फटाफट से कर देते हैं प्लेटिंग अपने खाने की। सो फ्रेंड्स ये है हमारा आज का डिनर, पत्ता गोभी और दिन की रखी हैं ये क्या बोलते हैं इसको कोफ्ते और चपाती। तो ये प्लेट है मेरे छोटे बेटे की, बड़ा बेटा ले गया है। तो चलिए अब हम करते हैं अपना डिनर एंजॉय, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। सो गाइज वेलकम अगेन, और डिनर हमारा हो गया है, उसके बाद आ गई हूँ मैं अपनी किचन में अपने आगे का काम समेटने के लिए क्योंकि कुकिंग के बाद खाने के बाद काफ़ी काम फैल जाता है किचन में। हालांकि मैं हाथ के हाथ समेट देती हूँ लेकिन आप देख रहे हैं बर्तन ज़्यादा नहीं हैं, ये वो बर्तन हैं जो खाने में यूज़ होते हैं या फिर जो लास्ट में सब्जी पलटने के बाद कढ़ाई वगैरह खाली हुई है। तो बस फटाफट से यहाँ पर मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी। एक बार पहले मैंने इनको नॉर्मल पानी से इनकी जूठन वगैरह साफ़ कर दी है, फिर उसके बाद इसको उनसे वाइप किया है और अब रनिंग वाटर में इनको धुल धुल के मैं साइड में रखती जाऊंगी। सो बस यही होता है रोज़ का बर्तन धुलने का प्रोसेस।
बर्तन साफ़ हो गए हैं। उसके बाद मैंने सिंक एरिया को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है स्पॉन्ज और विम की हेल्प से। उसके बाद मैं पानी से धुल दिया है, टैब भी क्लीन कर दिए हैं और अब इस किचन क्लॉथ की हेल्प से मैं जो ये है गैस टॉप है और अपना काउंटर टॉप है इसको भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। 2 से 3 बार इसको धुल धुल के अच्छे से क्लीन कर दूँगी और मेरा जो आफ्टर कुकिंग क्लीनिंग प्रोसेस होता है वो हो जाएगा कम्प्लीट। सो फ्रेंड्स, इस टाइम का काम मेरा हो गया है पूरा फिनिश और बेटा बैठा है मेरा यहीं मेरे इंतज़ार में कि कब मैं अंदर जाऊंगी, वो मेरे साथ ही अंदर जाएगा। आज अंदर नहीं बैठा, यहीं पे बैठा है। और देखिए, इसने अपने पापा का कुर्ता वियर किया हुआ है। मैंने बहुत बोला, उठा उठा के बार बार यही घूम रहा था कि ये पहना दो, फिर मैंने सोचा चलो पहना देती हूँ, कोई बात नहीं, बच्चे का मन है। सो चलिए अभी के लिए टाटा बाय बाय मैं करती हूँ, अपनी वीडियो की करती हूँ क्लोजिंग यहीं पर। मिलती हूँ आपसे कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर आपको किसी भी पॉइंट पे वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और कोई बात नहीं, सीख जाएंगे धीरे धीरे। यस, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू, सो बाय एंड गुड नाइट। और अगर आप मम्मी के चैनल बनाए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सो बाय, गुड नाइट, बाय।